दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि चाइना के वुहान शहर से लेकर के पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम या कहीं महामारी आ चुकी है। इस महामारी के चलते हर सेक्टर इन्फेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हर किसी के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ है। अब चाहे मैं बात करूं फूड चेन्स की, रेस्टोरेंट्स की अगर मैं बात करूं उन्हें भी नुकसान हुआ है, अगर मैं बात करूं फार्मर्स की उन्हें भी नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंट अपडेट जैसे कि आपको बताया कि कल हमारी केंद्र सरकार ने यह अनाउंस कर दिया कि पूरे देश के अंदर चाहे वो राज्य है कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है सभी के अंदर 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। सीधे तौर पे अगर मैं बात बताऊं आपको तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब बाहर नहीं निकल सकता मीन टू से आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जो भी आप जहां पे भी आप रहते हैं कुछ लोग अभी भी इस चीज को नेगलेक्ट तरीके से ले रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं उसको कि चलो ठीक है कोई बात नहीं होगा होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चीज का उल्लंघन ना करें, इस चीज का पालन करें। चलो ये तो एक अलग बात है, ये तो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमी भी काफी डाउन हो गई है। अगर मैं बात करूं अपने देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन की, जब उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस की किसी भी तरीके से, अगर मैं बात करूं उनके शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, पूरी के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो 20% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो क्या आपके मन में भी एक सवाल आया होगा जैसा कि मेरे मन में आया, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ेगा? जो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कुछ लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, कुछ सोच रहे थे, कुछ लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, कुछ लोगों ने ये सोचा था कि रिकरिंग डिपॉजिट अगले साल अगले महीने यानी कि अप्रैल के महीने से मैं करवा लूंगा। लेकिन कुछ लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, कुछ लोगों ने भैया LIC के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि कोरोना वायरस से अगर मेरी मौत हो जाती है, कोरोना वायरस से किसी की भी मौत हो जाती है और अगर उसने LIC ले रखी है तो क्या LIC के अंदर वो कवर होगा? बहुत सारे सवाल हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये सारी की सारी चीजों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे आपको बैंक से जुड़ी हर वो अपडेट, चाहे वो PPF से जुड़ी हो, LIC से जुड़ी हो, कोई भी SIP से जुड़ी हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ी हो या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हो, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहीं पे एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगी सारी की सारी चीजें। अब दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि काफी टाइम पहले से मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा था और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो लोगों को पसंद भी आ रही है, लोग मेरे काम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए अब जैसे कि मैंने कई जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ तो मेरे मन में भी ये ख्याल है कि अब मेरे को अब जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब चीजों को होल्ड डाउन कर दिया है यानी कि सब चीजों को लॉक कर दिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया, चाहे वो राज्य कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये निकल के आता है कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है क्या वहां पे मेरी प्रीमियम डेट पे मैं प्रीमियम दूं या ना दूं? अगर मैं प्रीमियम दे देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शन है, मैं प्रीमियम पे कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बैंक नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिजिटल बैंकिंग का यूज करके, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते, UPI का यूज करके, बहुत ऐसे तरीके जहां से मैं अपनी पेमेंट कर सकता हूं, कोई भी प्रीमियम मैं कर सकता हूं। अब चाहे वो LIC का प्रीमियम है या फिर वो किसी भी बैंक की इंस्टॉलमेंट है या फिर कोई भी काम हो सकता है। तो यहां पे बहुत ज्यादा सवाल ये निकल के आ रहे हैं कि अब क्या करना है मुझे, अभी अगर मैं नहीं पे करता हूं, माइट बी आप लोगों के पास भी फाइनेंशियल इश्यू हो या फिर मेरे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके पास तो फाइनेंशियल इशू होगा नहीं, रीजन बीइंग काफी टाइम पहले से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं और वहां पे ऐसा कोई भी इशू उनके पास नहीं है नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास पैसा ही नहीं है या है भी है तो बहुत लिमिटेड पैसा। अगर मैं पैसा पे कर देता हूं, लेट सपोज मैं प्रीमियम पे कर देता हूं, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूं, देन 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की स्थिति के अंदर मेरे पास फाइनेंशियली मेरे पास पैसा आने के कोई भी सोर्सेस नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊं जैसा कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट करी है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक रिक्वेस्ट करी है कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं ठीक है वो अपने किराएदारों से पैसे की डिमांड ना करें, अगर वो करेंगे तो कोई भी ऐसा मत करें कि किसी के पैसे के चलते आप उसको घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये स्थिति है, सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है और सभी को मिलकर जीतना भी इसी से। अब दोस्तों यहां पे उन्होंने एक ऑप्शन और दिया कि अगर आप इकट्ठे नहीं दे सकते हैं तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, तो क्या ये सारी की सारी चीजें बैंक में भी देखने को मिलेंगी? अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट में आपने कोई भी चीज ले रखी है, आपने लैपटॉप ले रखा, आपने फोन ले रखा है, PC ले रखा है, दोस्तों कई लोगों ने तो
ईएमआई अगर मैं बात करूँ ना अपनी सैलरी, जैसे उनकी 30,000 है ना, तो तकरीबन 10,000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट में ही चला जाता है उनका। अब इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा तो मेरे पास खाने के लिए नहीं है, चलो मैं एक महीने की दे देता हूँ, लेकिन अगर इस महीने की नहीं दी और चीजें और आपको बताइए, कहने को तो गवर्नमेंट कह रही है कि चीजें उसी रेट पे मिलेंगी जिस रेट पे मिलनी चाहिए चीजें, लेकिन ये चीज आपको भी पता और ये चीज मुझे भी पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं और ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। डेली हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चीजों को बड़ा चढ़ा करके दामों में एमआरपी से दूने रेट के अंदर बेच रहे हैं, यानी दुगने रेट के अंदर वो एमआरपी से चीजों को दे रहे हैं। तो इस चीज को भी करना है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रूरल एरियाज में है, गांव में है, उनको भी प्रॉब्लम है, शहर में रहने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम है, इस समय तो प्रॉब्लम हर किसी को है। तो क्या अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं कर देता हूं या स्किप कर देता हूं अपनी इंस्टॉलमेंट को या मेरे जो भी प्रीमियम है, तो क्या बैंक मुझे इसके ऊपर चार्ज लगाएगा? क्या मेरे सिविल स्कोर के ऊपर इससे कोई फर्क पड़ेगा? दोस्तों ये बड़ा सवाल है, इस चीज के लिए आप भी कंसर्न है, मैं भी कंसर्न हूं, और मेरे जैसे हजारों ऐसे लोग हैं आपकी तरह मेरी तरह जो इसी चीज को लेकर के कंसर्न है। दोस्तों एक इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी आईसीआईसीआई बैंक से मैं कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश करी, मैंने एचडीएफसी बैंक से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। रीजन आपको बताई है, लॉकडाउन, सभी को घर पे रहने की हिदायत दी गई है। अब दोस्तों यहां पे बैंक के पास क्या एक ऑप्शन बचता है, जो कि है आईवीआर। आईवीआर पे आपकी कॉल लैंड होगी, अगर आप खुद भी करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आईवीआर पे आपकी कॉल लैंड होगी। आईवीआर पे कॉल लैंड होने के बाद उसके बाद आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ले पाएंगे। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे लेट सपोज आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं आप आईवीआर पे, किसी भी आप एम पिन जनरेट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें जो मतलब घर से बाहर निकले बगैर हो सकती हैं वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन असिस्टेंस अभी आपको बैंक की तरफ से नहीं प्रोवाइड की जाएगी। अब वो ह्यूमन असिस्टेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि आप भी घर में बैठे हैं, आप भी तो किसी जगह काम करते हैं, मैं भी घर में बैठा हूं, मैं भी किसी जगह काम करता हूं, इसी तरीके से सारी की सारी चीजें आपको बताइए। तो दोस्तों यहां पे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि क्या इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा या नहीं पे करना होगा। दोस्तों यहां पे मैं आपको टाइम टाइम पे अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लो, अब तो कर ही लो, क्योंकि यहां पे जो 21 दिन है ना बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ज्यादा इन्वेस्ट करने में बिलीव रखते हैं, सेव करने में कम बिलीव रखते हैं। तो दोस्तों यहां पे अगर आपने भी इन्वेस्ट किया हुआ है मेरी तरह, आप भी कंसर्न है किसी चीजों को लेकर के, तो यहां पे बने रहिए, क्योंकि यहां पे मैं वो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप पूरी की अच्छी तरीके से इस वाले एरा से भी निकल जाएंगे और यहां पे कोई भी दिक्कत या किसी भी प्रकार की परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ, इंटरनेट पे मैं तरह तरह के ब्लॉग्स पढ़ रहा हूँ, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं वो प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, यू नो। तो प्रिडिक्शन भी कई हो जाती है कई बार, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा और वैसा ही कुछ हो जाता, तो इसी तरीके से यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी एक्सपीरियंसेस, जैसे ही मेरी कोई बात होती है या मेरे पास कोई कॉल आता है, वैसे कई लोग आपको पता है कि घर से कॉल कर रहे हैं तो वो मैन्युअली अपने घर पे फाइल वगैरह लेकर के जा चुके हैं, या फिर अगर मैं बात करूं ईमेल के ऊपर वो बता रहे हैं एक दूसरे को क्या भी आपका प्रीमियम है, तो उनसे बात होने पे पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके पास भी अगर कोई कॉल आता है, वैसे तो मैं स्टडी कर ही रहा हूं इन सब चीजों के ऊपर, बहुत ज्यादा स्टडी मैं करूंगा और आपको हो सके जहां तक हो सकता है प्रीशियस और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अलग से मैं अपनी तरफ से या हवा में कोई बातें नहीं करूंगा, मैं ग्राउंड जीरो के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे एक चीज और पे निकल के आती है कि अगर आपके पास भी अगर ऐसा कोई कॉल आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, या फिर अबाउट सेक्शन में जाकर के मेरा ईमेल आईडी वहां पे मेंशन है, उस ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप वहां पे करेंगे, आप चाहे वहां पे मेरे को कोई वॉइस जो आती है आपकी कॉल रिकॉर्डिंग करके कॉल भी भेज सकते हैं, कोई ईमेल आता है ईमेल का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी आपके पास आता है वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मिलता हूं, फिलहाल अभी थोड़ी देर के बाद आपसे मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर मैं लाइव आ जाता हूं तो अच्छी बात है, तो आप तो दोस्तों तकरीबन मैं 9 बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगा, तो लाइव आकर के कुछ बात करेंगे। जब तक के लिए अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, यहां पे आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।